हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका घर में लॉकडाउन का समय? दोस्तों, इस बीच एक बहुत ही बड़ी न्यूज रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आई है, जिसका नाम है रिलायंस का राइट्स इश्यू। जी हाँ, जहां दुनिया आईपीओ आने में डर रही है, जहां लोग ये डर रहे हैं कि अगर कोई आईपीओ वो लेके आया, कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी उन्होंने की, तो क्या लोग इस समय उसका स्वागत करेंगे? क्या लोग उस कंपनी को फंड रेज करने में हेल्प करेंगे? दोस्तों, ऐसे समय पे कोई शेर ही दहाड़ सकता है। आप सोच के देखिए, शेर के दहाड़ने की बात क्यों कह रहे हो? जंगल का राजा शेर कहलाता है, और शेर क्यों जंगल का राजा होता है? वो उसकी ताकत में छुपा होता है। यहां हम बात कर रहे हैं इस जंगल के राजा, निफ्टी के राजा की, या स्टॉक मार्केट के राजा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने फिर से एक ऐसा कदम लॉकडाउन के चलते, जी हां, कोविड-19 से जहां पूरी दुनिया दहली हुई है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी एक के बाद एक ऐसी न्यूज सामने लेके आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ध्यान दें तो स्टॉक मार्केट में बाजार चाहे जैसा मर्जी, रिलायंस का भाव उछाल पे उछाल लिए जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में रिलायंस ने अपना राइट्स इश्यू अनाउंस किया है। बहुत ही बड़ा राइट्स इश्यू है। चलिए, इस वीडियो में हम इसका बारीकी से आकलन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस का राइट्स इश्यू है क्या। चलिए, चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ताकि इस इश्यू को समझने में आपकी थोड़ी सी मदद हो सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो राइट्स इश्यू जैसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप शायद कोई इंपॉर्टेंट जानकारी खो बैठे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। 53,125 करोड़, ये है साइज रिलायंस के राइट्स इश्यू का। चलिए, इसको ब्रेक डाउन करते हैं क्या। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हम इसके टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राइट्स इश्यू का मतलब क्या है, बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस का राइट्स इश्यू अच्छा है या बुरा है, राइट इश्यू बैड होता है या गुड होता है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी राइट्स इश्यू लेके क्यों आती है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये रिलायंस का राइट्स इश्यू आया है 2020 में, ये है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसके मैथ्स पे नजर डालेंगे कि इससे क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, क्या गणित है इसके पीछे। और फिर हम बात करेंगे कि इसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेट स्ट्रक्चर को भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि डेट स्ट्रक्चर का इस इश्यू से कोई जुड़ाव है क्या। और आखिरी में दोस्तों, आपके लिए छुपा है इस वीडियो में एक बोनस टिप, कि आपको शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, किस लेवल के टूटने के बाद इससे आपको बाहर हो जाना चाहिए, और कहां पे दोबारा री एंट्री के लेवल को तलाशना चाहिए। तो सिर्फ रिलायंस मेरा फेवरेट शेयर, आपको मालूम है मेरे खुद के पोर्टफोलियो में रहता है, इसके ऊपर मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं और टाइम टू टाइम इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। 31 मार्च को भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जहां पे हमने इसके बारे में बहुत क्लियरली कहा था कि 1,080 का जब भाव था, इसको परचेज करना चाहिए। और हमने कुछ दूसरी वीडियो में इसके टारगेट्स को 1494 तक हम लेके गए थे, जो पूरे अचीव हुए हैं। दोस्तों, वो वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या छुपा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को अभी प्रेस कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आने के लिए। तो लाइक दबाने में कंजूसी ना करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं रिलायंस का राइट इश्यू कंप्लीट पोस्टमार्टम। जैसा कि आपके सामने एक डेफिनेशन मैं रख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। राइट्स ऑफरिंग, राइट्स मतलब ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास रिलायंस के शेयर्स नहीं है, मतलब ये आईपीओ नहीं है कि पब्लिक के लिए खुला है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एग्जिस्टिंग राइट्स हैं, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जिनके पास रिलायंस के ऑलरेडी शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिलायंस का या किसी भी शेयर का जो राइट्स इश्यू होता है वो क्या होता है, राइट्स ऑफरिंग। राइट इश्यू इज अ ग्रुप ऑफ राइट्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल स्टॉक शेयर्स, एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीदने के लिए इश्यू होता है, नोन एज सब्सक्रिप्शन वॉरेंट्स इन प्रपोर्शन टू देर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, मतलब जो उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं उनके कुछ प्रपोर्शन में। इस वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या प्रपोर्शन है, कितने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, कितने राइट इश्यू के शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल कि क्या ये इश्यू सही है या गलत है। दोस्तों, जो राइट्स इश्यू होते हैं वो आपको तय करने होते हैं कि आपको उसको अप्लाई करना है कि नहीं करना। उसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट को, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जरूर देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। बीते दिनों में आइडिया का भी राइट्स इश्यू आ चुका था, जब आइडिया का शेयर आई थिंक 15 से 16 रुपए के आसपास चल रहा था, और कुछ 12 रुपए के आसपास में राइट्स इश्यू ऑफर हुआ था। यहां पर भी एक राइट्स इश्यू आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर मैं आइडिया से कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो आपको डिफरेंस अपने
पता लगता है, तो कंपनी क्या है, कंपनी कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका राइट्स इश्यू अच्छा है या बुरा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल कि कंपनी राइट इश्यू लेके क्यों आती है। कंपनी राइट इश्यू लेके आती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड रेजिंग का एक तरीका है दोस्तों। जैसे आईपीओ आते हैं, आईपीओ में कंपनी अपने शेयर आपको देती है, आपको शेयर होल्डर बनाती है और उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट फ्री फंड रेज करती है, जो कंपनी की अपनी वर्किंग में काम आता है, वर्किंग कैपिटल की तरह काम आता है, कंपनी को एक्सपेंशन में काम आता है। यहां कंपनी कुछ शेयर्स आपको ट्रांसफर करती है, कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स, एक्स्ट्रा शेयर्स ऑफर करती है, जिसके जरिए कंपनी को एक्स्ट्रा फंड मिलता है, जो कंपनी को डेट रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है, कंपनी उस कर्जे को हटा सकती है, कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए वो मदद कर सकता है। तो कंपनी ओवरऑल देखा जाए सिंपल शब्दों में, कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड रेज करने के लिए कोई भी राइट्स इश्यू लेके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इस राइट्स इश्यू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या। दोस्तों जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इस इश्यू का जो कंप्लीट साइज है दैट इज 53,125 करोड़। सोचिए राइट्स इश्यू के माध्यम से 53,125 करोड़ के राइट्स इश्यू, जो कंपनी का इक्विटी बेस है दैट विल बी इंक्रीज बाय 675 करोड़। और देखिए रेशियो क्या है, द ओनर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस, रिलायंस इज द ओनर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी दैट इज इन जामनगर, आपको पता होना चाहिए। 41 करोड़ इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, 41 करोड़ शेयर्स दिए जाएंगे 1,257 रुपए के भाव से। ये एक्सचेंज में फाइल किया है उन्होंने दस्तावेज। राइट इश्यू के हिसाब से जो शेयर्स ऑफर्ड एट अ स्पेशल प्राइस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर ओनरशिप ऑफ ओल्ड शेयर इज प्राइस्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 14.3% ऑन द क्लोजिंग ऑफ 30 अप्रैल को जो भाव था 1466 के आसपास का, उस पर 14.33% का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। जो भी जिनके पास भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो ही इस राइट्स इश्यू को ऑफर को ले सकते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैथ्स क्या है, मतलब कितने शेयर मिलेंगे, कितने शेयर होने चाहिए आपके पास, कितने शेयर उसके बदले में मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत क्लियर है, जिस हर 15 शेयर के बदले में एक राइट इश्यू का शेयर आपको अलॉट हो सकता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास 15 शेयर के बदले में एक, अगर आपके पास 90 शेयर हैं तो आपको 6 एक्स्ट्रा शेयर मिल सकते हैं सस्ते भाव पे, 14% के ऑलमोस्ट डिस्काउंट प्राइस पे, मतलब आपकी एवरेज कम हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी को फायदा क्या होने वाला है इस राइट इश्यू से। दोस्तों हाल फिलहाल मुकेश अंबानी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर रिलायंस अपने आप को डेट फ्री कर देगी। डेट फ्री आप समझते हैं, मतलब कर्जा खत्म। तो कंपनी का जो कद है, जो काठी है, बहुत जबरदस्त हो सकती है। मतलब कंपनी आज अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसपे कंपनी नहीं है। रिलायंस ज्वेल्स में है, रिलायंस रिटेल में है, रिलायंस पेट्रोलियम में है, रिलायंस जियो है जो टेलीकॉम के अंदर में है, और रिलायंस ने फेसबुक से डील की है जो एक वॉलेट की तरह काम करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के लिए। दोस्तों रिलायंस हमारे देश की यूं ही दिग्गज कंपनी नहीं है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, कुछ सोच समझे प्लानिंग करती है। और उसका दावा है, मुझे लगता है दोस्तों मुकेश अंबानी का एक बहुत बड़ा सपना है कि वो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की नंबर वन कंपनी बनना चाहती है। आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल फिलहाल जैक मा को पीछे छोड़ दिया मुकेश अंबानी ने, ही हैज बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, है ना गर्व की बात। हमारा एक हिंदुस्तानी पूरे विश्व में छाने में लगा हुआ है। और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनी, पीछे सऊदी अरेबिया के साथ एक डील थी, वो हालांकि होल्ड पे डली हुई है, अगर वो आ जाती तो बहुत सारा कर्जा भी खत्म हो जाता। चलिए देखते हैं इसका बेनिफिट रिलायंस अंबानी को क्या होने वाला है। दोस्तों इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं 2020 की शुरुआत में कंपनी के ऊपर कर्जा है 1,61,035 करोड़ का, 1,61,000 करोड़ का कर्जा है अंबानी के ऊपर, मुकेश अंबानी की बात हम कर रहे हैं। वहीं जियो के साथ जुड़ करार हुआ उसके बाद कंपनी का कर्जा घट के रह गया 1,17,435 करोड़, बहुत भारी गिरावट आई है। और राइट्स इश्यू आने के बाद में कंपनी का अनुमान है, मानना है कि कंपनी का कर्जा कुल मिला के 64,310 करोड़ रुपए रह जाएगा। दोस्तों जो कंपनी अपने कर्जे इस कदर खत्म करने में लगी हो तो सोचे इस कंपनी की ताकत क्या होगी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसको उसने छुआ नहीं, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसको छुआ नहीं। मुकेश अंबानी हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, वर्ल्ड के, हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के हर घर तक पहुंचना चाहते हैं, और हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ हमेशा रहेंगी। दोस्तों अब आते हैं हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, और बोनस टिप बिल्कुल आखिरी पॉइंट, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें छुपी हुई बोनस टिप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या भाव रहेंगे जहां पे आपको इसमें एंटर करना चाहिए। दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं।
आपको लगता है कि मार्केट ठीक नहीं है तो हो सकता है आप इसकी वेट भी कर सकते हैं, अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप राइट्स इश्यू को अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, प्योर आपके इंटेलेक्ट के ऊपर, आपकी अपनी कैलकुलेशन के ऊपर में। बट जो ट्रेडर किस्म के लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आपको लगता है रिलायंस में एंट्री के लेवल क्या हो सकते हैं, रिलायंस कहां तक जा सकता है, दोस्तों हमारी पुरानी वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा जहां रिलायंस के हमने पूरा क्लियर पोस्टमार्टम किया था कि ऊपर के भाव क्या हो सकते हैं, देखते किस भाव से ऊपर आपको एंटर रहना चाहिए और किस भाव के बाद आपको शेयर से निकल जाना चाहिए। तो फाइनल पॉइंट्स बोनस टिप्स, दोस्तों ये कैलकुलेशन मैं अपने सीक्रेट कैलकुलेटर से करता हूं जो हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, मेरे हर स्टूडेंट के पास फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों इस कैलकुलेटर में ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू काइंड ऑफ जर्नीज व्हिच अ शेयर कैन गो ऑन, एक है अप ट्रेंड जर्नी, एक है डाउन ट्रेंड जर्नी। नीचे लाल रंग में डाउन ट्रेंड जर्नी है और हरे रंग में अप ट्रेंड जर्नी। चलिए हम यहां देखते हैं 1493.97 मतलब 1494 के आसपास में भी इसने हाई बनाया था, ये एक बहुत ही क्रूशियल मार्क है, बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जो फेस किया इसने, वो यही लेवल रहेगा 1493 से लेके 1514 के बीच में एक ऐसा डिसाइडिंग लेवल हुआ जो अगर इसको सस्टेन करता है, इसके ऊपर चलता है तो अगले भाव 1750 तक के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। परंतु अगर ये लेवल को सस्टेन नहीं करता है, जिसके चांसेस अभी दिखाई दे रहे हैं, 1494 से नीचे चल चुका है और कल की डेट में 1453 से नीचे क्लोज नहीं हुआ, 1466 के आसपास है। और सिंगापुर निफ्टी दोस्तों, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज छुट्टी है, 1 मई है, लेबर डे है, और मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं दोस्तों, जरूर देखिए उसको, जहां मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियोस को कंपाइल करने वाला हूं, जहां क्लियरली हमने बोल दिया था कि निफ्टी 7500 के बाद 10000 तक जाएगी, 10000 के बाद उसकी गिरावट वापस शुरू होगी, और ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ है। 10000 के लेवल को दोबारा से छूके निफ्टी फिर से गिरी है और यहाँ पे हर शेयर गिरेगा 5% के आसपास। तो सिंगापुर में एसजीएक्स निफ्टी डाउन थी, अब देखते हैं मंडे को हमारा बाजार कैसा खुलता है। अगर रिलायंस 1453-1433 का लेवल, मतलब ये 10-20 रुपए का एक गैप है ये समझ सकते हैं, अगर ये मेंटेन कर लेता है तो ठीक है, वापस से तेजी देखने को मिलेगी। बट पूरी उम्मीद है अगर ये भाव टूटते हैं तो रिलायंस आने वाले दिनों में 1327 और 1235 रुपए तक जा सकता है। दोस्तों मैं इंतजार करूंगा 1235 रुपए तक के आने का, इसमें री एंट्री का, और उस भाव पे फिर से तय करूंगा कि फिर कोशिश करूंगा कि बाजार में वापस एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो मैं कहता हूं वही करता हूं, अगर मैंने 1080 पे आपको रिकमेंडेशन दी थी तो मैंने खुद भी खरीदा, 1220-1230 के आसपास मैं निकल गया था, उसके बाद ही फेसबुक की डील हुई थी जिसको हम पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये दो दिग्गजों की डील थी, उसको पकड़ना किसी के भी बस की नहीं था, जिस डील की वजह से ये शेयर वापस 1400 के पार हो गया, जबकि हमारा अनुमान बहुत क्लियर था कि 1365 से ऊपर के आसपास की क्लोजिंग आएगी, उससे ऊपर चलता है जब भी तो वो 1494 और 1750 तक जा सकता है। 1494 एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा, वहां से वो पलटना स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट लेवल मैच हुए दोस्तों। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। प्लीज दोस्तों जाइए पुरानी वीडियोस को देखिए, देखिए सबसे अच्छी एनालिसिस यही मिलती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक अगर अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज लाइक दबा दीजिए, आपके पैसे नहीं लगेंगे, हमें मोटिवेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।